हाय गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो सो गाइस जैसा मैंने प्रॉमिस किया था मैं आ गई हूं आप लोगों के लिए मिंत्रा सेल हॉल लेके पार्ट टू जिसके अंदर इंडियन एंड वेस्टर्न वेयर दोनों चीज़ें हैं मैंने अफोर्डेबल से लेके काफ़ी अफोर्डेबल पीसेज इसके अंदर आपको मिलेंगे और साथ में मिड रेंज तक लिया है जो कुर्ता मैंने पहना हुआ है इसके बारे में भी क्वेरी आएंगी तो ये मैंने इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किया है क्योंकि रिसेंटली मैंने मिंत्रा से बाय किया है मैंने सेल से पहले सारी चीज़ें ले ली थी बट आप लोग इन्हें सेल में ले सकते हैं जो एंड ऑफ रीजन सेल चल रही है जिसमें 50 टू 90 परसेंट ऑफ आपको मिल जाएगा सो यस आई एम सुपर एक्साइटेड एक मैंने चिकन कारी कुर्ता सेट भी इंक्लूड किया है जिसके ऊपर अच्छे डिस्काउंट्स हैं अभी सेल में एंड यस साइजेस थोड़े से कम अवेलेबल हैं बट यस yes, जिसका भी साइज अवेलेबल है डेफ़िनेटली आप इसे पिक कर सकते हैं क्योंकि मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट पीस है एंड चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं सारी डिटेल्स प्रोडक्ट के लिंक सब चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो आप चेकआउट कर लेना वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू तो माई चैनल नाउ लेट्स के स्टार्ट सबसे पहले मैं सोच रही हूँ आपके साथ वेस्टर्न वेयर शेयर करती हूँ और उसके बाद हम इंडियन वेयर पे जाते हैं तो so, सबसे पहले जो मैं आपको टॉप दिखा रही हूँ ये मेरी विश लिस्ट में बहुत लंबे टाइम से था मैंने इस बार पिक कर लिया और ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया मुझे रॉडस्टर ब्रांड से है जो मिंत्रा पे अवेलेबल है डेनिम के अंदर है मैंने डेनिम की दो चीज़ें इंक्लूड की है क्योंकि आजकल डेनिम का बहुत ट्रेंड चल रहा है डेनिम ओवर डेनिम भी आप कैरी कर सकते हैं सो so ये जो टॉप लिया है ये मैंने वेकेशन पर्पज से लिया है ऑब्वियसली मैं इस तरह के कपड़े यू नो गुड़गांव में तो नहीं पहनती हूँ एंड इसे मैंने इसीलिए बाय कर लिया क्योंकि इसके बैक साइड में ना ये इस तरह से थोड़ा सा स्ट्रेचेबल इलास्टिक लगा हुआ है जिसके कारण मुझे था कि ये मुझे फिट आ जाएगा मीडियम साइज में मैंने इसे लिया है थोड़ा बहुत टाइट है बट आई थिंक मैं इसे सेट कर लूँगी लाइक like, थोड़ा तो मैं रिड्यूस करने का सोच ही रही हूँ सो so, उसके बाद ये मुझे आ जाएगा पीछे से इस तरह से ये नोट वगैरह लगा लो इसमें टाई अप का प्रोविज़न है एंड इवन आप स्कर्ट के साथ भी इसे कैरी कर सकते हैं शॉर्ट्स के साथ भी कैरी कर सकते हैं वेकेशन पे जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा अब आपको मुझ पर कैसा लगा वो मुझे ज़रूर से बता देना अभी वैसे मैंने थोड़ा सा वेट गेन कर रखा है थोड़ा नहीं काफ़ी फाइव के मैं सिक्सटी तक पहुँच गई हूँ मुझे रिड्यूस करना है और हो ही नहीं रहा है तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मैं बहुत लाइट लेके चल रही हूँ अभी चलो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे आई नो उसके लिए भी आप काफ़ी टाइम से वीडियो की वेट कर रहे हैं बट अभी मैंने ही नहीं शुरू किया तो मैं आपके साथ क्या ही शेयर करूँगी मैंने सिर्फ डाइट पर थोड़ा सा कंट्रोल किया है अब मैं ग्रेजुअली यू you नो know, थोड़ा वर्कआउट पर भी जा रही हूँ पहले मैं अपना लाइफ और रूटीन है ना उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ सो चलिए इसके बाद मैं नेक्स्ट जो चीज़ें आपको दिखाऊंगी ना वो मैंने तीन इस तरह की ये टी शर्ट्स पिक करी हैं जो जीन्स के साथ आप कैरी कर सकते हैं आप कॉलेज में कैरी कर सकते हैं वीकेंड्स में ऑफिस में आप जीन्स के साथ पहन सकते हैं या घर से कहीं भी बाहर जाएंगे तो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मुझे दिखी उन कलर वगैरह सब कुछ काफ़ी सुंदर लगा यहाँ पे सबसे पहले जो मैं दिखाऊंगी ना आपको वो मेरी फेवरेट वाली दिखाऊंगी ये सबसे अच्छी मुझे लगी इसका फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है एंड थोड़ा सा लाइट शेड में है ना Uh, मैंने इसके नीचे न्यू डिनर वेयर ही डाला है स्पैगेटी वगैरह नहीं कैरी की है बट अगर आप चाहें तो कैरी कर सकते हैं बट बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगा कि ज़्यादा नीड है इसकी इसके अंदर स्मॉल साइज़ में काफ़ी अच्छा रिलैक्स फिट मुझे मिल रहा है थोड़ा सा बैगी है इवन आप घर पे भी इसे कैरी कर सकते हैं गर्मियों में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है अपने जॉगर्स वगैरह के साथ नाउ जो सेकंड टी शर्ट है ये सारी मैंने स्मॉल साइज़ में ली है बट ये जो दोनों है ये फिटेड लुक के अंदर हैं सो मैं सोच रही हूँ इसके अंदर मैं साइज़ अप कर लूँ हंड्रेड परसेंट कॉटन फैब्रिक में है बस इसके अंदर मैं साइज अप कर लूँगी अदरवाइज ये बिल्कुल परफेक्ट है डे टू डे लाइफ में लाइक like कहीं पे भी बाहर जाना है तो जीन्स के साथ टी शर्ट पहन लो बस हो गया इवन जॉगर्स के साथ भी मैं पहन लेती हूँ यहाँ पर दूसरी ये ग्रे कलर में है ये भी मुझे अच्छी लगी इसका जो पैटर्न है ना ये मतलब डिफरेंट सा ही है बिल्कुल प्लेन भी नहीं है एंड अच्छा लग रहा है ये सो so, इस तरह की ये तीन टी शर्ट मैंने ली हैं एंड ये गर्मियों में आई थिंक काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी अगर आप इनमें से एक बाय करना चाहते हैं जो कि सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो लाइक like, कंफर्टेबल से मतलब वैसे तो सारी की सारी 100% परसेंट प्योर कॉटन फैब्रिक में है बट इसका जो फैब्रिक है ना वो थोड़ा सा पतला और सॉफ्ट है गर्मियों में मुझे इस तरह की बहुत अच्छी लगती है ये थोड़ा सा जो मोटा होता है ना उसके अंदर है बट है ये कॉटन ही सो so, इस तरह की ये तीन टी शर्ट ले ली एक मैंने ली है डेनिम की ड्रेस एक एक मैंने कॉड सेट भी डेनिम का ऑर्डर किया था जो मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुआ है यहाँ पर ये डेनिम की ड्रेस फिट एंड फ्लेयर स्टाइल के अंदर है इसके अंदर आप देखेंगे ना आगे से ये आ, ऐसे ओवरलैप कर रहा है इसमें हुक भी दिया हुआ है एंड यहाँ पर ये थोड़ा सा यू नो इससे आप अटका सकते हो उसको सो so, बढ़िया से फिट आ जाएगा वी नेक बन जाएगा स्लीव्स इस तरह से पफी है वेस्ट पे ये इलास्टिकेटेड है मीडियम साइज में देख सकते हैं फिट बढ़िया सा आ रहा है मुझे सो so, काफ़ी सॉफ्ट इलास्टिक है जो बहुत अच्छे से फिट होके वेस्ट को डिफाइन कर देगा उसके बाद फ्लेयर आ जाएगा नीचे एक और ये रफल दी हुई है सो so, इस तरह की फिट एंड फ्लेयर ड्रेस ना बहुत अच्छी होती है अगर आपके बेली फैट है तो बिल्कुल इसमें हाइड हो जाएगा बहुत ही कंफर्टेबल लगेगा आप डे टाइम पे कहीं भी जा रहे हैं तो इसे कैरी कर सकते हैं उसके अलावा वेकेशन पे भी अच्छी लगेगी सो ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगी इसका फैब्रिक बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है ये भी रोडस्टर ब्रांड से है बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी एंड सेल पे आई थिंक प्राइस ज्यादा कम हो गए हैं। सो so, और भी ज़्यादा अफोर्डेबल हो गए मैंने थोड़ी सी महंगी ये ली थी नाव ये हैं सारे जो मैंने वेस्टर्न वेयर में पिक किए हैं अभी जीन्स के बारे में अगर पूछेंगे तो जीन्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आऊंगी इस महीने मैंने आपको पहले ही बताया था बहुत जल्दी लेके आऊँगी ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा वेट करना पड़ेगा सो so, उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए नाव मेरे पास है एथनिक वेयर एथनिक वेयर में सबसे पहले मैं इस कुर्ती से ही स्टार्ट करती हूँ जो मैंने पहना हुआ है क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है आप इसके अंदर देखेंगे ना तो पैटर्न है ना वो बिल्कुल यूनिक है डिफरेंट है मैंने तो इस टाइप का पहले कभी देखा भी नहीं था और पहना भी नहीं था ये मार्बल प्रिंटिंग है और हैंड प्रिंटिंग है इसका जो ब्रांड है वो है तावी तावी पे आपको हैंड प्रिंटेड ब्लॉक प्रिंटेड बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस, कुर्ता सेट्स एंड कुर्तीज़ मिल जाएंगी सो so, ये इस तरह का कॉटन फैब्रिक में मैंने लिया है इसके स्टिचिंग पैटर्न भी मुझे अच्छा लगा आपको पता ही है वी नेक मुझे कितना पसंद है साथ में मीडियम साइज में आप देख सकते हैं इसका फिट भी अच्छा आ रहा है स्लीव्स पे एंड नेक पे यहाँ पर गोटा लगाया हुआ है फ्रंट में थोड़ी सी प्लीट है ए लाइन में है इसमें साइड स्लिट्स नहीं है और इसके अंदर पॉकेट भी है ऑफिस में पहनने के लिए या फिर आप कॉलेज में इसे पहनेंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा इवन जीन्स के साथ कैरी कर सकते हैं अदरवाइज वाइड लेग या सिगरेट पैंट्स के साथ भी बहुत ही अच्छा लगेगा सी थ्रू नहीं है सो so, ये आप जरूर से ले लेना ले अगर आपको थोड़ा सा हटके और इसका कलर भी देखो कितना सुंदर है ना जो यू you नो know, बड़ा वाइब्रेंट सा लग रहा है और सूदिंग भी लग रहा है ऐसे नहीं कि बहुत ही चटक वाले कलर हो चलिए अब नेक्स्ट पीस पे हम बढ़ते हैं जो कि टू पीस कुर्ता सेट है एंड इसका भी कलर मुझे स्पेशली बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा एंड ये स्लीवलेस कुर्ती

एंड फ्लोरल प्रिंट के अंदर समर्स में कितना सुंदर लगेगा एंड ये भी कॉलेज एंड ऑफिस में पहनने के लिए बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन है स्ट्रेट फिट में है बिल्कुल सिंपल सी यू uh, नो you know, इसका स्टिचिंग पैटर्न है फिटिंग वगैरह अच्छे आए तो यहाँ पर फ्रंट में साइड में प्लीट दी गई है लेंथ भी इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है थ्री फोर स्लीव्स के साथ आता है एंड इसके साथ जो बॉटम है वो भी सॉलिड एंड सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक में है स्मार्ट पैंट्स हैं जो नीचे से नैरो हो जाएंगी क्रॉप्ड है आप देखेंगे अगर आपकी हाइट 5.4 फीट तक है ना तो आई थिंक ये परफेक्ट आएगा उससे ज़्यादा ऊँचे होंगे तो बहुत ज़्यादा क्रॉप हो जाएगा उससे ज़्यादा अगर लंबे हुए तो बहुत ज़्यादा क्रॉप्ड हो जाएगा सो येस अकॉर्डिंगली आप इसे पिक कर सकते हैं ये भी सेमी इलेस्टिकेटेड आपको मिलेगा इसका कलर स्पेशली बहुत अच्छा लगा एंड डे टू डे लाइफ में ना इजी ब्रीजी सा एंड कंफर्टेबल सा लगने वाला कुर्ता सेट था तो मैंने इसे पिक कर लिया नाउ नेक्स्ट कुर्ता सेट का जो कलर है ना गाइस वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है बहुत ही ज़्यादा समरी आपको लगेगा एंड स्पेशल जो ओकेजन्स है ना उस पर ये बहुत सुंदर लगेगा सो so, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर का बहुत प्यारा है ये एंड बहुत ज़्यादा फ्लोई है इसका जो फैब्रिक है ना वो विस्कॉस रेन है बहुत सॉफ़्ट फैब्रिक है मतलब अच्छा क्वालिटी का ऐसा नहीं है कि मतलब आपको पता ही है रेन में बहुत वैरायटी आती है ये वो रेन है जिसके अंदर सेल्फ में थोड़ा सा टेक्सचर होता है इसके अंदर फिटिंग अच्छी आए तो इसके अंदर साइड में भी प्लीट है एंड बैक साइड में भी प्लीट है इसमें सीक्वेंट का एंड रेशम के धागे का काम है सो तो ये एम्ब्रॉयडरी की गई है स्लीवलेस है स्लीव इसमें भी अटैच नहीं है इसका नेक स्टाइल भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है और साथ में ये यहाँ पर आप देखेंगे ना तो नीचे थोड़ी रफल्स एड की हुई है जिसके कारण थोड़ा सा ये ट्रेंडी एंड स्टाइलिश लग रहा है इसके साथ सेम फैब्रिक के अंदर बट लाइट शेड में ये वाइड लैग बॉटम आता है बहुत ही कंफर्टेबल था रेन के केस में गाइस साइज आप जरूर से कर लेना थोड़ा सा मार्जिन आप लेके चलिए क्योंकि श्रिंक होने की टेंडेंसी रखता है यहाँ पर ये सेमी इलेस्टिकेटेड है इसके अंदर आपको आई थिंक एक पॉकेट यस yes, एक पॉकेट दी गई है सो स्पेशल ओकेजन पे पहनने के लिए आप थोड़ा सा स्टाइलिश एंड ट्रेंडी कुर्ता सेट देख रहे हैं सो so, आप इसे पिक कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो रफल्स एड की हुई हैं और स्लीवलेस की होल बना हुआ है स्टिचिंग पैटर्न है ना वो इसको थोड़ा सा स्मार्ट है ना क्यूट लुक दे रहा है मतलब एम्ब्रॉयडरी है स्टिल इसके अंदर थोड़े से एलिमेंट ऐसे डाले हुए हैं जो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं और अलग से लग रहे हैं नाउ समर्स को ध्यान में रखते हुए गाइस पता नहीं मतलब मिंत्रा पे जब मैं जाती हूँ तो मुझे स्लीवलेस के इतने बढ़िया बढिया ऑप्शन मिलते हैं कि मेरा मन करता है सारे स्लीवलेस ले लूँ सो so, अगर आप लोग स्लीवलेस नहीं पहनते हैं तो माफ़ कीजिएगा बट ये कुर्ता सेट तो मेरा फेवरेट है बिकॉज ये शिक्नकारी एंड इसकी जो फिटिंग है ना और इसके ऊपर जो काम किया हुआ है ना ये बेस्ट है एंड फैब्रिक तो ऑब्वियसली कॉटन है 100 परसेंट तो बहुत ही बढ़िया है चिकनकारी में ज़्यादातर सी थ्रू का इशू होता है कॉटन पे जब होती है बट इस फैब्रिक में आपको लाइनिंग वगैरह की जरूरत नहीं है ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है ये जो यहाँ पर काम किया हुआ है ना और जो इस आम होली से बोलते हैं ना इसकी जो फिट आ रही है ना बहुत ही बढ़िया एंड अच्छा सा कट है इसके अंदर सुनो तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे पूरे फ्रंट में जो बीच में कॉलम है इसके अंदर आपको डेंस चिकन कारी मिलती है इन साइड्स में छोटी छोटी तो तीन कलियां हैं आगे एंड पीछे से पूरा एक ही है यहाँ पर बैक साइड में भी आपको बूटियाँ मिल जाएंगी सो so, ये मैं बताती हूँ आपको ये वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड है मिंत्रा पे हाउस ऑफ पटौदी उसमें से लिया है मैंने ये आई थिंक 1999 में लिया था बट अभी ये 700 समथिंग में अवेलेबल है बट साइजेस थोड़े कम अवेलेबल है तो बस जिसको मिल जाए आप इसे पिक कर लेना यहाँ पर ये यह वाइड लेग बॉटम है ओवरऑल लुक देखेंगे ना तो बहुत ही अच्छा आ रहा है फैब्रिक भी सेम है इस तरह का बॉटम है जो मिक्स मैच करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा स्टिचिंग आप देखिए इस तरह से दो पॉकेट्स दी गई हैं एंड ये सेमी इलास्टिकेटेड है लेंथ में बहुत ही बढ़िया है क्रॉप नहीं है इसकी लेंथ आप देखेंगे पूरा फुल लेंथ में है नाउ जो नेक्स्ट कुर्ता सेट मैंने लिया है ये नायरा कट में लिया है और आपको कहने की जरूरत नहीं है कि नायरा कट की आजकल कितनी रिक्वेस्ट आती है कमेंट्स आते हैं सो so, यहाँ पर ये रयॉन फैब्रिक में है कलर कॉम्बिनेशन व्हाइट एंड ब्लू का बहुत ही ज्यादा समर अप्रोप्रिएट लग रहा है इसमें भी आपको ये वी नेक मिल जाएगा अंगरखा पैटर्न में है बट फंक्शनल नहीं है एंड पूरा भर के फ्लेयर है आप देख सकते हैं प्रिंट भी कितना सुंदर है इसके साथ आपको इस तरह की पैंट्स मिलती है और इन पैंट्स की भी लंबाई काफी ज्यादा बढ़िया है एंड इसमें वर्टिकल स्ट्राइप्स है सेमी इलास्टिकेटेड है तो समर एंड मानसून में ये

लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बनाने से पहले नहीं धोते तो वो बाद में फिर आपका श्रिंक कर जाता है बट वो श्रिंक होता ही है और वो कोई बुरी बात नहीं है जो आपका सिंथेटिक फैब्रिक होता है ना वो कभी श्रिंक नहीं होगा मैन मेड फैब्रिक कभी नहीं श्रिंक होगा बट वो आपको पता ही है कि ना तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है एंड ना वो एनवायरमेंट के लिए सो so, मैं इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ना थोड़ा सा अगर सौ डेढ़ सौ रुपये ज़्यादा भी हो ना बट अच्छे फैब्रिक में हो कॉटन में तो मैं उसे इंक्लूड कर लेती हूँ ना आपको किस तरह से उसे मेनटेन करना है किस तरह से वॉश करना है क्योंकि इन सब फैब्रिक जो कॉटन वगैरह होते हैं ना ये रफ टफ नहीं होते हैं आपको सिल्क हो गया कॉटन लिनन इन सब में मेहनत करनी पड़ती है उसको मेंटेन करने के लिए हैंड वॉश करना पड़ता है डिप करके नहीं छोड़ सकते सो so, आपको एक्स्ट्रा केयर देनी पड़ती है आप अगर देंगे तो वो लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहेंगे सो so, अगर कोई फैब्रिक सिकुड़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब है सो so, आप थोड़ा सा मार्जिन लेके चलिए इन नेचुरल फाइबर्स के अंदर नाउ जो नेक्स्ट कुर्ता सेट है वो लाइट ग्रीन कलर के अंदर है आज आपको दो ग्रीन कलर के कुर्ता सेट मिल गए हैं ये कॉटन फैब्रिक में है बिल्कुल लाइट वेट सिंपल इसे आप पहन लो मतलब आपको लगेगा ही नहीं आपने कुछ पहन रखा है 100% प्योर कॉटन फैब्रिक में है स्लीवलेस है ये इसके अंदर बस ये है कि जो मीडियम uh, साइज़ है ना वो सब में मुझे सही आ गया इसके अंदर मीडियम साइज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा ढीला लग रहा है एंड uh, जो ये आर्म होल है ना ये बड़े लग रहे हैं सो so, इसके अंदर आई थिंक मुझे स्मॉल साइज़ लेती तो परफेक्ट आ जाता इसका जो प्रिंट है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा ऐसा सी थ्रू नहीं है आपको इसके नीचे इनर वगैरह डालने की जरूरत नहीं है एंड वुडन बटन की इसके अंदर डिटेलिंग की हुई है एंड इसकी जो पेन्स हैं ये स्ट्रेट फिट में आती हैं सेमी इलास्टिकेटेड हैं ये सॉलिड हैं हंड्रेड परसेंट प्योर कॉटन फैब्रिक में है एंड इनकी लेंथ अच्छी है आप देख सकते हैं पूरी लेंथ में आ रहे हैं ये क्रॉप नहीं है इजी ब्रीजी है घर पे पहन लो ऑफिस में पहन लो कॉलेज में पहन लो एंड आपको लगेगा ही नहीं मैं दोबारा बोल रही हूँ बट लिटरली आपको नहीं फील होगा इतना सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक है इसका सो so गाइज ये था मिंत्रा हॉल एंड मैंने ट्राई किया ढूंढ ढांड के बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों के साथ शेयर करूं एंड वैरायटी भी इसके अंदर लाई है मैंने आपको इंडियन एंड वेस्टर्न वेयर दोनों चीजें देखने को मिली हैं सो आई थिंक सेल के टाइम पे आप इन्हें बाय करेंगे तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट और काफ़ी अच्छी बचत कर पाएंगे सो so, येस yes, आप चेकआउट कर लेना इनके परचेजिंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आगे क्या देखना चाहते हैं वीडियोस में वो भी मुझे बता देना इस महीने मैं सोच रही हूँ आप लोगों के लिए साड़ी का हॉल भी लेके आऊँ बहुत टाइम हो गया बट यस अभी मैंने प्लान किया है तो थोड़ा सा मेरे लिए ज़्यादा मेहनत हो जाएगी बट मैं करूँगी और आप लोगों के लिए लेके आऊँगी सो यस और इसके अलावा क्या देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताना मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी इन द नेक्स्ट वन टिल देन टेक केयर बाय बाय